तो आज हम जितनी भी आपके पास कीज है ना, ए से लेकर जेड तक कंट्रोल के साथ, क्लियर है? एमएस वर्ड के अंदर, इन एमएस वर्ड ऑल शॉर्टकट कीज विथ कंट्रोल, सही है? एन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, सही है? तो यहां पे आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ctrl+A यूज किया था। ctrl+A क्या करता है? सिलेक्ट ऑल करता है, क्लियर है? तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट है, इमेजेस है, या सारी चीजें पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर है ना, आप ctrl+A से सिलेक्ट ऑल करते हो। क्या करते हो? अगर सपोज मैं अभी ctrl+A प्रेस करता हूं तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर है? तो ctrl+A क्या करता है? सिलेक्ट ऑल करता है, ठीक है? उसके बाद है ctrl+B, क्योंकि हम ए टू जेड करने वाले हैं कंट्रोल के साथ सारी शॉर्टकट कीज इन एमएस वर्ड, क्लियर है? तो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं ctrl+B, तो ctrl+B क्या करता है? बोल्ड करता है हमारे टेक्स्ट को, बोल्ड द टेक्स्ट। उसके बाद है आपके पास ctrl+C, तो आपके पास ctrl+C कॉपी के लिए आप यूज करते हो, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हो तो हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं? ctrl+C। अच्छा, ctrl+C आप कॉपी के लिए यूज करते हो, उसके बाद हम यूज करते हैं ctrl+D। अच्छा, ctrl+D हम यूज करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए, क्लियर है? यानी कि जितनी भी फॉन्ट के ऊपर आप सारी चीजें अप्लाई करते हो ना, तो उसके लिए हम ctrl+D अप्लाई करते हैं। जैसे आप ctrl+D प्रेस करोगे तो आपके पास फॉन्ट की सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पे देखें, आ रही है फॉन्ट का पूरा ग्रुप, क्लियर? कि आपको फॉन्ट को कोई आपने स्टाइल अप्लाई करना है, या आपने उसको इटैलिक, या उसको बोल्ड करना है, उसके अलावा आपकी उसकी साइज बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, या उसको सिंबल में, कैप्स में, इसके अंदर रखना चाह रहे हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो आप इसके लिए ctrl+D यूज करते हो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद है ctrl+E। ctrl+E का सबको पता होगा, हम टेक्स्ट को सेंटर करते हैं। ctrl+E से हम क्या करते हैं टेक्स्ट को? सपोज मैंने यहां पे एक पैराग्राफ लिखा, अब सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है और इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूं। देखो अभी अलाइनमेंट कौन सी है? लेफ्ट में है ना, शो हो रही है? अभी आपके पास अलाइनमेंट लेफ्ट में है। अगर मैं ctrl+E प्रेस करूंगा तो पूरी लाइन सेंटर में हो जाएगी, हो गई, देखें, क्लियर है? तो आप यहां से भी सेंटर में कर सकते हो, या ctrl+E प्रेस कर दो तो आप यहां पर टेक्स्ट को अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर। उसके बाद है ctrl+F। अच्छा, ctrl+F क्यों यूज करते हैं हम? फाइंड के लिए। किस लिए यूज करते हैं? अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट से कोई चीज फाइंड करना चाह रहे हो तो हम क्या यूज कर लेते हैं? ctrl+F यूज करते हैं। तो अगर मैं ctrl+F यूज करता हूं, तो अगर सपोज मुझे इन पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डेटा है, इसमें से कोई भी वर्ड सर्च करना है, तो यहां से आगे कर लूंगा। सपोज मैं सर्च करता हूं आइटम्स, तो देखें वो पॉइंट कर रहे हैं कि यहां पे आइटम्स, क्लियर है? तो ctrl+F आप फाइंड के लिए यूज करते हो, ओके जी। उसके बाद है हमारे पास एफ के बाद क्या आता है, ठीक है? अच्छा, जी क्या करता है? गो टू के लिए यूज होता है। जी किस लिए यूज होता है? गो टू के लिए। तो गो टू के लिए आप यूज करते हो। तो अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, तो अगर सपोज देखिए हमारे पास कितने पेजेस हैं,
फोर पेजेस है ना, तो अगर आप फर्स्ट पेज पे खड़े हो और आप डायरेक्ट जाना चाह रहे हो लास्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे, तो आप गो टू के थ्रू जा सकते हो। समझ में आ रहा है? इवन हम किसी क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जाना चाह रहे हो, बुक मार्क के ऊपर जाना चाह रहे हो, किसी एग्जैक्ट पैराग्राफ के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप यहां से आके कंट्रोल प्लस जी करो और आप यहां पे बताओ कि आप पेज पे जाना चाह रहे हो, सेक्शन पे जाना चाह रहे हो या किसी लाइन पे जाना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पे सिर्फ नंबर देना है और आप उस लाइन पे, उस पेज पे, उस सेक्शन पे, इवन आप उस बुक मार्क के ऊपर भी जा सकते हो। क्लियर है? तो मैं सिर्फ पेज के ऊपर जाता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे फोर्थ पेज पे जाना है। जैसे मैं गो टू करूंगा, देखो फोर्थ पेज पे आ गया मैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जी के बाद क्या है? कंट्रोल प्लस एच। अच्छा, कंट्रोल प्लस एच आप यूज करते हो किस लिए यूज करते हैं? हम रिप्लेस के लिए। किस लिए यूज करते हैं? रिप्लेस के लिए। तो अगर मेरे पास सपोज ये लास्ट पेज है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, ये यहां पे मैं किसी का नाम लिख देता हूं, बिल्कुल लास्ट में अली लिख देता हूं। श्योर है अली? ये देखें, अली लिखा है ना मैंने। अब मैं चाहता हूं इस अली की जगह पे मुझे कोई और नाम लिखना है, रिप्लेस करना है। क्लियर? तो हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस एच। तो मैं यहां से जैसे कंट्रोल प्लस एच करूंगा तो फाइंड करके खुद ही बता देगा, या आप यहां से जो फाइंड करना चाह रहे हो। अब वो कौन सा वर्ड है जिसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड लिखना चाह रहे हो, आपको पहले वो बताना है। क्लियर? कि सपोज अली को फाइंड करो और उसकी जगह पे क्या लिख दो, आपको वो यहां पे प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा है? सपोज मैं चाह रहा हूं कि अली की जगह पे ये लिख दे वाजिद, और यहां से आके मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस ऑल। तो जहां जहां पे अली होगा पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखें यहां पे अली की जगह पे उसने क्या लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो हम रिप्लेस यूज करते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सी है? कंट्रोल प्लस आई। अच्छा, कंट्रोल प्लस आई आप यूज करते हो इटैलिक के लिए। किस लिए यूज करते हैं? तो अगर आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर देते हैं हम। देखें, ये टेक्स्ट थोड़ा इटैलिक हो गया। श्योर है? ठीक है, तो आप यहां से आके इसको इटैलिक कर सकते हो। उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस जे। अच्छा, कंट्रोल प्लस जे आप जस्टिफाई के लिए यूज करते हो। किस लिए यूज करते हैं? जस्टिफाई के लिए। अगर मैं आपको यहां पे शो कर दूं तो देखो अभी अलाइनमेंट कौन सी है, लेफ्ट है ना। तो अगर मैं यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर वो कर्सर रखता हूं या माउस हम क्लिक करते हैं और कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर देता हूं, तो देखो पूरा पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया, लेफ्ट से और राइट से लाइनिंग फिल हो गई। पहले आपके पास ऐसे था। समझ में आ रहा है? अब मैं जैसे कंट्रोल प्लस जे करूंगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इवन हम पूरे डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करें और यहां पर आके कंट्रोल प्लस जे कर दें, तो देखें पूरी लाइन कवर हो गई। श्योर है? और आप जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे से कर दो या यहां से भी कर सकते हो। श्योर है? समझ में आ रहा है सबको? ओके, उसके बाद है जे के बाद क्या है, कंट्रोल प्लस के। अच्छा, के हम यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए। जे यूज करते हैं जस्टिफाई टेक्स्ट, उसके बाद कंट्रोल प्लस के यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक का बता दिया था मैंने कि अगर आप किसी टेक्स्ट को एज अ लिंक बनाना चाह रहे हो, सही है, और आप जैसे ही उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो आपकी कोई ना कोई फाइल ओपन हो जाए। तो हम यहां पे आके सपोज मैं लिखता हूं, कोई टेक्स्ट लिखता हूं, क्लिक है यार, तो आपने पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप एक कंट्रोल प्लस के सिलेक्ट कर देनी है, कंट्रोल प्लस के। जैसे आप कंट्रोल प्लस के करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है। क्लियर है? तो मैं यहां से आके उसको डॉक्यूमेंट बताता हूं, सपोज ब्राउज करवाता हूं, यहां से आते हैं डेस्कटॉप पे जाते हैं और वहां पे मेरे पास, इवन हम किसी प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? किसी वेब ब्राउजर को या किसी और सॉफ्टवेयर को भी ओपन यहां से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो आपके पास चीज ओपन हो जाएगी जो आप यहां पे देना चाह रहे हो।
तो अभी मैं सपोज ये एक फाइल दे देता हूं एमएस वर्ड की, ओके कर देते हैं। अब जैसे ही अभी उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपसे वो पूछ रहा है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वहां पे फॉलो हो जाओगे उस लिंक के थ्रू, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक। अब जैसे कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपसे वो परमिशन लेगा कि क्या मैं वो फाइल ओपन कर दूं, तो हम कह रहे हैं यस। देखो ओपन होगी फाइल, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि एमएस वर्ड की ही फाइल ओपन करनी है, आप पीडीएफ की ओपन कर लो, पावर पॉइंट की ओपन कर लो, या एक्सेल की ओपन कर लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस एल, है ना? तो हम एल यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। किस लिए यूज करते हैं? अलाइन टेक्स्ट इन लेफ्ट। तो आपके पास अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को देखें, वहां पे अभी हमने अलाइनमेंट अप्लाई की थी ना, ठीक है। अगर सपोज आपके पास ये टेक्स्ट है, इसको मैं अलाइन लेफ्ट करना चाह रहा हूं, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है, अगर मैं इसको पहले सेंटर में करता हूं, ठीक है। अगर आप इसको अलाइन करना चाह रहे हो लेफ्ट में, तो आप इसको अलाइन लेफ्ट। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस के, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एल कर दिया, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एम। अच्छा, कंट्रोल प्लस एम यूज करते हैं आप, किस लिए यूज करते हो आप? इंक्रीज इंडेंट के लिए, याद है कुछ? इंक्रीज इंडेंट। अच्छा, अब अगर सपोज मेरे पास कोई पैराग्राफ है, ये है पैराग्राफ सपोज, सही है, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं राइट की तरफ, सपोज मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए RAND, यहां से आके वन लाइन का पैराग्राफ, सपोज मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसको मैं अलाइन करना चाह रहा हूं राइट की तरफ या इंक्रीज करना चाह रहा हूं मैं इसका इंडेंट, तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा? कंट्रोल प्लस एम। जैसे इंक्रीज करूंगा तो आपका वो इंडेंट इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस एम, उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस एन। अच्छा, कंट्रोल प्लस एन से आप क्या करते हो? न्यू फाइल ओपन करते हो। क्या ओपन करते हो? एमएस वर्ड की एप्लीकेशन फिर से या न्यू से ओपन हो जाएगी। क्लियर है? तो आप यहां से आके कंट्रोल प्लस एन यूज करते हो न्यू फाइल के लिए। उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। तो अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हो, यानी कि आपने ऑलरेडी कोई फाइल बनाई हुई है उसको ओपन करना चाह रहे हो, तो यहां से आके आप कंट्रोल प्लस जैसे ओ करोगे तो यहां से ओपन कर सकते हो। क्लियर है? और आप जो भी फाइल ओपन करना चाह रहे हो यहां से सिलेक्ट करो, ओपन कर लो, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ के साथ आप ओपन करते हो ओपन फाइल। उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस पी। अच्छा, कंट्रोल प्लस पी यूज करते हैं आप प्रिंट के लिए, किस लिए यूज करते हैं? तो प्रिंट द फाइल। तो आप जैसे कंट्रोल प्लस पी करोगे तो आप यहां से आके प्रिंट कर सकते हो उसको। समझ में आ रहा है? ओके जी, उसके बाद आपके पास कंट्रोल प्लस क्यू। अच्छा, कंट्रोल प्लस क्यू, अभी आप लोगों ने ये इंडेंट इंक्रीज किया था ना, तो अगर आप इसी इंडेंट को क्लियर करना चाह रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस क्यू यूज करते हैं। तो आपके पास जितना भी आपने उसके ऊपर इंडेंट अप्लाई किया था, इंक्रीज किया था, वो पूरा इंडेंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। टू क्लियर द इंडेंट। उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस आगे क्या है? आर है। क्लियर है? तो कंट्रोल प्लस आर आप यूज करते हो राइट अलाइनमेंट के लिए। अगर आप टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन करना चाह रहे हो तो किसी भी पैराग्राफ के अंदर कर्सर रखो और अलाइन कर दो क्या? कंट्रोल प्लस आर अप्लाई कर दो, तो देखो टेक्स्ट राइट में शो हो रहा है। क्लियर? तो आप टेक्स्ट को अलाइन राइट कर सकते हो कंट्रोल प्लस आर के थ्रू। टू पुट टेक्स्ट, टू अलाइन टेक्स्ट एन राइट। क्लियर है? उसके बाद है आपके पास एस। कंट्रोल प्लस एस आप यूज करते हो टू सेव द फाइल, सही है? सेव का पता होगा सबको,
कंट्रोल प्लस एस करोगे तो आपको अभी जो आप जिस फाइल के ऊपर काम कर रहे हो उसको सेव कर सकते हो कंट्रोल प्लस एस के थ्रू. क्लियर है? ओके जी. उसके बाद है आपके पास कंट्रोल प्लस टी. अच्छा, कंट्रोल प्लस टी का यूज ये होता है कि आप हैंगिंग इनर्ड यूज करते हो, यानी कि अगर आपके पास एक पूरा पैराग्राफ है, क्लियर, और उसके अंदर मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है. अब ये मेरे पास पूरा पैराग्राफ है तो मैं कहीं पे भी कर्सर रखूं और कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूंगा ना, तो पूरे पैराग्राफ की पहली लाइन हैंग हो जाएगी, बाकी पूरा टेक्स्ट राइट की तरफ मूव होता रहेगा. क्लियर है? तो यहां पे आ जाए, आप देखें कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूं, देखें क्या हो रहा है. पहली लाइन क्या हो रही है? हैंग. बाकी क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं. आपने आपका ही क्वेश्चन था ना ये, कि आप अगर किसी को चाह रहे हो तो ये मैन्युअल ही होगा ऐसे. क्लियर है? तो हैंगिंग इंडेंट आप इसीलिए यूज करते हो कि अगर आप किसी पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन को हैंग करना चाह रहे हो, बाकी टेक्स्ट को मूव करना चाह रहे हो, तो हम क्या यूज कर लेते हैं? कंट्रोल प्लस टी यूज कर लेते हैं टू हैंग इंडेंट. हैंगिंग इंडेंट कहते हैं इसको, इंडेंट. उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस यू. अच्छा, कंट्रोल प्लस यू हम यूज करते हैं टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, अंडरलाइन द टेक्स्ट. तो आप अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दो. समझ में आ रहा है? तो आपका वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा. उसके बाद क्या है? कंट्रोल प्लस वी. अच्छा, कंट्रोल प्लस वी आप पेस्ट के लिए यूज करते हो. अगर आप कोई चीज कॉपी करते हो तो उसको पेस्ट भी तो करना होता है ना, तो आप कंट्रोल प्लस वी के थ्रू क्या करते हो? उसको पेस्ट करते हो. तो हम यहां पे आके इसको पेस्ट करते हैं. सपोज मैंने कोई चीज कॉपी की है, मैं उसको क्या करना चाह रहा हूं? पेस्ट. तो सपोज मैंने यहां पे अली लिखा, इसको करता हूं कॉपी, और अगर मुझे यहां पे इसको पेस्ट करना है तो मैं यहां पे आके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल प्लस बी के थ्रू. समझ में आ रहा है? ओके जी. उसके बाद है कंट्रोल प्लस W. अच्छा, कंट्रोल प्लस W आप यूज करते हो टू क्लोज द फाइल. एमएस वर्ड के अंदर अगर आप फाइल को क्लोज करना चाह रहे हो तो आप क्या यूज करते हो? कंट्रोल प्लस W यूज करते हैं हम. कंट्रोल प्लस W. अच्छा, कंट्रोल प्लस W करता यह है कि आपने जो अभी फाइल ओपन की हुई है ना, सिर्फ वो क्लोज हो जाएगी. ये एप्लीकेशन क्लोज नहीं करता, ये क्या क्लोज कर रहा है? सिर्फ वो फाइल जो आपके पास अभी ओपन की हुई है. आपने सपोज मेरे पास ये फाइल है और मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करता हूं तो आपसे पूछ रहा है फाइल को सेव करना है, मैं चाह रहा हूं नहीं, ठीक है, तो वो पूरी फाइल उसने क्या कर दी? क्लोज कर दी. समझ में आ रहा है? तो टू क्लोज द फाइल हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करते हैं. उसके बाद आपके पास है कंट्रोल प्लस एक्स है, तो आप ये यूज करते हो टू कट द टेक्स्ट, कट के लिए यूज करते हैं. अच्छा, कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, कॉपी के अंदर आप डुप्लीकेशन करते हो. क्या करते हो? यानी कि आपका वही टेक्स्ट वहीं पे रहेगा लेकिन उसके जैसा आप कॉपी करके कहीं और पे जाके पेस्ट करते हो. क्लियर? लेकिन कट में ये होगा कि आप टेक्स्ट को मूव करते हो. क्या करते हो? उस टेक्स्ट को एक जगह से पूरे को उठा रहे हैं, उसकी डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो सपोज मुझे इस टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है ना, इस इंसर्ट टेप को, तो कॉपी करता हूं यहां पे आगे पेस्ट कर लिया, तो देखिए वहां पे भी टेक्स्ट है, उसके जैसा आपने टेक्स्ट यहां पे रख दिया. ये होता है कंट्रोल प्लस सी के साथ. समझ में आया? लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स, तो उसका वो पूरा टेक्स्ट कट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कट. और यहां पे आके हम पेस्ट कर देंगे तो टेक्स्ट यहां पे मूव हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा. समझ में आ रहा है? यानी कि पूरा टेक्स्ट आप वहां से उठा के कहीं और पे रख रहे हो, उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो रही. समझ में आ रहा है? मूव कर रहे हो आप टेक्स्ट को. उसके बाद आपके पास क्या है? कंट्रोल प्लस वाई. अच्छा, कंट्रोल प्लस वाई आप रीडू के लिए यूज करते हो. किस लिए? अच्छा, रीडू करता यह है कि अगर सपोज आपने यहां पर कुछ लिखा, अलीज एन स्टूडेंट ऑफ एपटेक हैदराबाद,
ठीक है। अच्छा मैं इसके ऊपर कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूं, सही है, तो मैं इसके ऊपर फॉन्ट का कलर अप्लाई कर देता हूं। आपने कलर अप्लाई कर दिया और आप चाहते हो कि यार ये मैंने जो कलर अप्लाई किया मुझे ये नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Z करते हैं। क्या करते हैं, Ctrl+, यानी कि आपने जो एक्शन अप्लाई किया उसको मिटाना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+Z। लेकिन आपने Ctrl+Z कर लिया यानी कि अप्लाई किया फिर उसको हटाना है तो क्या यूज करते हैं, Ctrl+Z। लेकिन आपने हटाने के बाद अगर वापस चाहा तो हम क्या यूज करते हैं, Ctrl+Y यूज करते हैं। समझ में आया, आपने कोई चीज अप्लाई की फिर उससे हटा दी, आप चाहते हो नहीं नहीं मुझे वही चाहिए मैंने फजूल में हटा दी, तो आप फिर से वापस चाह रहे हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, Ctrl+Y अप्लाई करते हैं। मैं अगर Ctrl+Y करूंगा तो देखें अप्लाई हो गया वो, समझ में आया सबको, ओके जी। तो यहां पे रीडो के बाद Ctrl+Y के बाद मैंने बता दिया जेड का, तो ये थी आपके पास एक पूरी ABC के थ्रू कंट्रोल, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं अंडू के लिए।